गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ चुके थे, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है बोर्ड पे, ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन लिखा गया है, निम्नलिखित धन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। क्या है क्वेश्चन का हेडिंग? तो निम्नलिखित धन संख्याओं को उसके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है 2 का क्यूब घन कितना होता है जी? 2 का घन कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, इसी 8 को विषम संख्याओं के क्रमागत में लिखना है, यानी विषम संख्याओं का योग के रूप में लिखना है क्रमागत। जैसे पहला क्वेश्चन ले रहा है, 1 का पावर 3 है, यानी क्या है? 2 का क्यूब है। तो 2 का क्यूब का मान कितना होता है जी? कितना से समान होता है? समान होता है 8। क्लियर, क्या होता है 2 का क्यूब 8 होता है। अब इसी 8 को क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए ये संख्या क्या करना होता है? 8 है, और पहले यहाँ पर 1 लिखते हैं, 1 के बाद क्या होता है? दूसरी संख्या 3 होता है, उसके बाद क्या होता है? दूसरी संख्या 5 होता है। अब इसको जोड़ते हैं कितना आएगा जी? 5 8 9, कितना आ रहा है? 9, क्योंकि हमको यहाँ 8 आना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम किसको यहाँ से हटाएंगे? हम 1 को यहाँ से हटा देंगे, क्या मिल जाएगा? यानी 3 + 5 = 8, यानी 2 बराबर की संख्या है वह जो इनका योग कितना है? 8 होता है। यानी कौन कौन से है? तो 3 + 5 दोनों क्या है? विषम संख्याएं हैं और दोनों लगातार है एक क्रमागत है। ठीक है, इसको लिखेंगे 3 + 5। ठीक है, जो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 में दिया है, इसमें तो दिया है 4 का पावर 3, यानी इसका घन कितना होता है जी? पूरा घन कितना होता है? पूरा घन का होता है 64। कितना होता है जी? 4 चौसठ। चलिए अब इसमें लिखना है 2 कर्णागत विषम संख्याओं के योग के रूप में। अब देखिए यहाँ क्या माना गया जी? यहाँ मान आता है 64। इस 64 को लिखना है कर्णागत विषम संख्याओं के योग के रूप में। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ठीक है, हम किस विषम संख्या से स्टार्ट करेंगे, यानी प्रारंभ करेंगे, ताकि इसका जो फल जो है एक सीमित विषम संख्या के बीच का योग इसके बराबर आ जाए। जैसे हिसाब करते हैं 13 से 13 + 15 + 17 + 19 कितना हो जाएगा जी? 15 13 28 17 कितना जाएगा आपका? 45 हम कितना जाएगा? तो जाएगा 64। क्या है जी? समाप्त हो जाएगा 64। तेरह 18 18 17 45 45 19 64। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सबसे पहले क्या करना है? इसका जो संख्या दिया है इसका क्यूब कर दीजिए। दिया है 4 की पावर 3, कितना समान है? समान होगा 64, यानी 64। अब 64 को ऐसे संख्या को लिखना है कि सभी का योग इसके बराबर आ जाए। ठीक है, हमें आप एक संख्या सकते थे,
एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस नौ प्लस ग्यारह प्लस तेरह, लेकिन उससे पढ़ने पर इसका योग आएगा, इसके बराबर नहीं आएगा। जैसे देखिए नहीं है, एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस नौ प्लस ग्यारह प्लस तेरह, कितना तीन एक चार पांच नौ नौ सात सोलह सोलह नौ पच्चीस पच्चीस ग्यारह छत्तीस छत्तीस तेरह छत्तीस तीन उन्नीस उनचास, और क्या नेक्स्ट पास जाएगा का पंद्रह। ठीक है, इसमें से पास क्या जाएगा का पंद्रह, कितना का दस पंद्रह क्या कर जाएगा चौसठ। ठीक है, ऐसे सही है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं सुन गए या पर भी या पर भी या एक प्लस तीन प्लस पांच प्लस सात प्लस नौ प्लस ग्यारह प्लस तेरह प्लस पंद्रह, यानी इसका योग आएगा ठीक है इसके बराबर ही आएगा। देखते हैं तीन एक चार चार पांच नौ नौ सात सोलह सोलह नौ पच्चीस पच्चीस ग्यारह छत्तीस छत्तीस तेरह उनचास, उनचास पंद्रह कितना आएगा उनचास पंद्रह आ जाएगा चौसठ। ठीक है, ये भी अपना सत्य है, या आप ऐसे भी सकते हैं या ऐसे भी सकते हैं, सब बढ़िया है कि निम्नलिखित कौन संख्याओं को इसके क्रमागत विषम संख्याओं में योगफल निकले। ठीक है, कितना है एक दो तीन चार, अब आपको ये देखना है ये ठीक है कि आपका पद कितना है, इसमें आपका दो था तो इसको दो ही क्यों निकल रहा है। ठीक है, इसमें क्या संख्या है चार है तो इसको लिखना चार नहीं लिखना है, एक दो तीन चार आपका यही सत्य है। ठीक है, आप ऐसे दे सकते हैं इसको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन है पांच का पावर तीन है फाइव के क्यूब है, ठीक है इसको देखना है इसका मान कितना है, इसका मान होगा क्या एक सौ पच्चीस। ठीक है, तो इसको पांच ऐसा करेंगे, इसको लिखते हैं सत्रह से सत्रह प्लस उन्नीस प्लस इक्कीस प्लस तेईस एक दो तीन चार और पच्चीस, कितना बचे पांच तीन आठ एक नौ 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 अठारह अठारह सात पच्चीस पच्चीस का पांच अस्सी दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ एक दस, कितना रहा जी एक सौ पांच, क्या कितना चाहिए हमारे चाहिए आपको एक सौ पच्चीस, यानी क्या है ये गलत है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो मिनट कर रहे हैं इक्कीस से, यानी इक्कीस प्लस तेईस प्लस पच्चीस, इक्कीस प्लस तेईस प्लस पच्चीस प्लस सत्ताईस प्लस उन्तीस, देखते हैं सही बार आ रहा है नहीं, नौ सात सोलह सोलह पांच इक्कीस इक्कीस तीन चौबीस चौबीस एक पच्चीस पच्चीस का पांच हासिल दो दो हासिल है और दो ये चार दो छ दो आठ दो दस दो बारह, कितना जा रहा है आ जाते एक सौ पच्चीस। ठीक है, ये क्या है इक्कीस प्लस तेईस प्लस पच्चीस प्लस सत्ताईस प्लस उन्तीस का आपका सत्य क्या है जी, ये क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में क्लियर है। अब यहां आपको एक चीज ध्यान देना है, जो हमने ये बताया है संख्या ऐसे करके, इसमें आपको डाउट कर रहा हूं कि ये संख्या जो है इस अंक के बराबर ज्यादा है, इसलिए चार अंक है। ठीक है, कितना है एक दो तीन चार, ठीक है
इसमें यहाँ पांच है तो एक दो तीन चार पांच आ गया, क्लियर है। यहाँ दो है एक उधर, क्लियर है। यदि इस व्यू से हम देखते हैं, यदि संख्या का डिजिट व्यू से हम देखते हैं तो ये क्या ये मेथड असत्य है, ठीक है। कब जब इस संख्या के मेथड व्यू से देखते हैं, जैसे अब दो अंक है तो इसका दो व्यू से मेथड व्यू लिखा गया है, यहाँ क्या चार है, यहाँ एक दो तीन और चार अंक इसको डिनोट करना है, और यहाँ पांच है तो इसको पांच अंक डिनोट करना है, यानी एक दो तीन चार पांच, ठीक है। यदि हम संख्या व्यू से देखते हैं तो ये जो है मेथड असत्य है, और इसको बेसिक रूप से यदि हम ऐसे सजाते हैं तो सत्य है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इस मेथड से हमारा ये आंसर हुआ जो गलत साबित होगा, ठीक है। ऐसे हम जो अंक एक व्यू से यहाँ पर लिखा गया तो कर्णागत विषम संख्या हो गया, कर्णागत इसका लगातार, ठीक है, वो लगातार तो भी है लेकिन क्या है इस संख्या को विरोध कर रहा है, जो संख्या है, ठीक है, जो अंक है इस संख्या के बराबर ही यहाँ पर नियुक्त आ रहा है, क्या है एक दो तीन चार, यहाँ पांच है एक दो तीन चार और पांच अंक इसको विरोध करना है, ठीक है। तो इस प्रकार जैसे लिखे थे हमने इस तरह करके और संख्या लिखे थे इस तरह करके उसको वो इस यू से मतलब असर किया है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार की तरफ, देखते हैं इसका ये दिया चार नंबर, यहाँ से दिया है, इसने तो दिया है आज का पावर तीन। अब यहाँ ध्यान देना है आज अगर कितना था जी 512, ठीक है, क्या होगा आगे हम 512। अब देखिएगा कि 512 को कहाँ किस संख्या से स्टार्ट करेंगे ताकि इसका योग इसके बराबर आ जाए, ठीक है, ताकि इन विषम संख्या का क्रमशः योग 512 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग, इससे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि 512 जो लिखा गया है, ठीक है, क्या है था आज का घन है, और उसी घन के जो 512 है उसी को कर्णागत विषम संख्या के जो के रूप में डिनोट करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, हम लिखेंगे इसको ऐसे संख्या का स्टार्ट करना है ताकि इसका आठ अंक यानी आठ डिजिट का जो 512 के बराबर आ जाए। तो लिखे में स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे भी लिख रहे हैं पर लिखते हैं कि मतलब सत्य होता है या नहीं, समय स्टार्ट कर रहे हैं 57 से 57 प्लस 59 प्लस 61 प्लस यानी 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 71 प्लस 71 और प्लस 73 प्लस 75 प्लस 77 प्लस 81 85 होगा। हम समाज करते हैं देखते हैं जिसका योग 512 के बराबर आ रहा है, ध्यान दीजिए 9, 7, 16, 16, 5, 21, 21, 3, 24, 24, 24 और 1, 25, 25 से 9 कितना 34, 34, 7, 41, 41, 5, 46, 46, 3, 49, 49 से 50, 50 से 9 ठीक है, क्या रहा जी पढ़ा छा छा लिखा वो सवाल है लेकिन यहाँ क्या दो है यानी ये गलत है, इसको और आगे बढ़ाएंगे यानी लिख सकते हैं इसको 7, 5, 12, 12, 3, 15, 15, 16, 16, 9, 25, 25, 7,
बत्तीस बत्तीस पाँच सैंतीस सैंतीस तीन चालीस चालीस इकतालीस इकतालीस नौ उनचास उनचास सात कितना था उनचास सात छप्पन तीन आप छः रहा तीन आप क्या आएगी दो है हम सौ रहा करेंगे यानी उनासी का क्या जाएगा इक्यासी क्या क्या जाएगा क्या बचेगा तिरासी ठीक है अब इसको ऐड करते हैं देखिए समान कितना आ रहा है यानी तीन एक चार नौ चार तेरह तेरह सात बीस बीस पाँच पच्चीस पच्चीस तीन अट्ठाईस अट्ठाईस एक उनतीस उनतीस सात अड़तीस अड़तीस सात पैंतालीस पैंतालीस पाँच पचास पचास तीन तिरपन तिरपन एक चौवन चौवन नौ तिरसठ तिरसठ सात सत्तर यहाँ क्या है यहाँ पर आ रहा है दो ठीक है इसलिए इसको और आगे बढ़ाएंगे और आगे गए हम नौ दस दस सात सत्रह सत्रह पाँच बाईस बाईस तीन पच्चीस पच्चीस एक छब्बीस छब्बीस नौ पैंतीस पैंतीस सात बयालीस बयालीस का दो अस्सी चार चार सात ग्यारह ग्यारह छः सत्रह सत्रह छः तेईस तेईस छः उनतीस उनतीस छः पैंतीस पैंतीस छः इकतालीस इकतालीस और पाँच छियालीस छियालीस और पाँच इक्यावन यानी फिफ्टी वन पाँच सौ बारह भैया का यानी संतावन प्लस उनसठ प्लस इकसठ प्लस तिरसठ प्लस पैंसठ प्लस सड़सठ प्लस उनहत्तर प्लस इकहत्तर जो इसे संख्याएं का नाम क्या है फिफ्टी सेवन फिफ्टी नाइन सिक्सटी वन सिक्सटी थ्री सिक्सटी फाइव सिक्सटी सेवन सिक्सटी नाइन और सेवेंटी वन ठीक है ये क्या ये करना हो डिजन संख्याएं है अब हम सुन सकते हैं एक अच्छे से यानी सकते हैं इसको यानी संतावन प्लस उनसठ प्लस इकसठ प्लस तिरसठ प्लस पैंसठ प्लस क्या जाएगा सड़सठ प्लस उनहत्तर प्लस इकहत्तर सेवेंटी वन यानी सबके लिए कितना राय पड़ा पाँच सौ बारह यह क्या करना होगा विषम संख्याएं हैं तो यह विचार करना होगा विषम संख्याएं हैं चलिए क्वेश्चन नंबर चार के साथ चार क्वेश्चन दिए थे एक दो और तीन और यहाँ पर हमने चार ठीक है और याद कर दीजिए एक नजर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है ये भी क्या है आठ डिजिट में है ठीक है जो आपको दिख रहा है ठीक है क्या डिजिट का संख्या मिल रहा है या फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ क्लियर है चलिए क्वेश्चन नंबर चार कर लिए प्लस पंद्रह प्लस सत्रह प्लस उन्नीस इसका वर्ग इक्कीस प्लस तेईस प्लस पच्चीस प्लस सत्ताईस और इसे क्या होगा संतावन प्लस उनसठ प्लस इकसठ प्लस तिरसठ प्लस पैंसठ प्लस सड़सठ प्लस उनहत्तर प्लस क्लियर है चलिए आज हम लोग साढ़े सिक्स पॉइंट वन का क्वेश्चन कर लिए जिसमें चार क्वेश्चन दिया था चार क्वेश्चन हमने बारी बारी से अध्ययन कर लिए अब नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली सिक्स पॉइंट टू ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।